हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे न्यू ऐप के बारे में जिसका नाम है ऑल स्पोर्ट्स बेटिंग ऐप। ये एक बेटिंग ऐप है जिससे आप सभी तरह के स्पोर्ट्स और गेम्स पर बेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा रजिस्टर पेज है। यहाँ पर जब यूज़र ऐप को पहली बार ओपन करता है तो उसे अकाउंट बनाने के लिए ये पेज है। यहाँ पर यूज़र अपना नया अकाउंट बना सकता है या पुराने अकाउंट से लॉगिन कर सकता है। उसके बाद ये होम पेज ओपन होगा जिस पर आप देख सकते हैं सारे मैचेस दिखाई दे रहे हैं। ये है सेटिंग पेज जिस पर यहाँ पर बैलेंस और बेटिंग हिस्ट्री की डिटेल्स है। ये है हमारा कॉइन्स पेज, यहाँ पर रिचार्ज और विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल्स सारी दिखाई जा रही है। हमारे होम पेज पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर एक कस्टम ऐड है जिसे आप एडमिन ऐप से अपलोड कर सकते हैं। और ये है हमारा मैच का बेटिंग पेज। किसी भी मैच पर क्लिक करने पर यह बेटिंग पेज ओपन होगा जिससे आप बेटिंग कर सकते हैं। ये हमारा सेटिंग पेज है, यहाँ पर से आप अपने कॉइन बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपनी बेटिंग की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। अब एडमिन ऐप को चेक कर लेते हैं। ये है उसका एडमिन ऐप, यहाँ से सब चीज़ें कंट्रोल होगी। अब मैं यहाँ से आपको एक कस्टम ऐड अपलोड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट करनी होगी और उसके नीचे आपको लिंक डालनी होगी। जब भी यूज़र इस इमेज पर क्लिक करेगा तो ये लिंक ओपन होगी। इमेज अपलोड होने के बाद लिंक एंटर करने के बाद पब्लिश ऐड बटन पर क्लिक कर देने से ये ऐड पब्लिश हो जाएगा और सभी यूज़र ऐप में शो होगा। और इस पर क्लिक करने से वो लिंक ओपन हो जाएगी जो आपने एंटर की थी। अब मैं आपको एक न्यू मैच ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ऐड न्यू मैच बटन पर क्लिक करने पर ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपने टीम की इमेजेस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको दो टीम की इमेजेस सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको मैच का टाइटल डालना है। यहाँ पर मैं फीफा वर्ल्ड कप डालकर आपको दिखा रहा हूँ। इसके नीचे और दो एडिट टेक्स्ट है जिसमें आपको दोनों टीमों के नाम डालने हैं, वो भी हम डाल देते हैं। यहाँ पर पहली टीम का नाम है एफसी बार्सिलोना, वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और दूसरी टीम का नाम है रियल मैड्रिड, वो भी यहाँ पर डाल देता हूँ। और इसके बाद आपको ऐड मैच बटन पर क्लिक कर देना है जिससे ये मैच अपलोड हो जाएगा और यूज़र्स इस मैच पर बेटिंग कर सकेंगे। अभी मैं आपको यूज़र ऐप ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो नया मैच हमने अभी ऐड किया था वो सबसे ऊपर बता रहा है। इस पर क्लिक करने पर आपको बेटिंग की डिटेल्स दिखेंगी। यहाँ पर दोनों टीमों के नाम आ जाएंगे जिसमें से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है और उसके नीचे आपको बेटिंग की अमाउंट कितनी आप बेट करना चाहते हैं वो अमाउंट एंटर करके कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पर रिचार्ज सिस्टम कैसे काम करेगा वो दिखाता हूँ। यहाँ पर एडमिन पैनल में मैं अपना न्यू UPI ID एंटर कर रहा हूँ। यहाँ से आप अपनी न्यू UPI ID ऐड कर सकते हैं ताकि जब यूज़र आपको पे करे रिचार्ज के लिए तो वो इस UPI ID पर आए पेमेंट। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी इस मैच में कोई भी बेट नहीं हुई है, तो अभी मैं यहाँ पर कन्फर्म बेट पर क्लिक करता हूँ तो बेट नहीं होगा क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं है और रिचार्ज पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिनिमम रिचार्ज 10 से है, 10 रुपये से होगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 100 रुपये का रिचार्ज करने का ट्राई करता हूँ। देखिए मैंने 100 रुपये एंटर किया और पे बटन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर सारे पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो गए और UPI पेमेंट शो हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जब यूज़र ऐसे पे करेगा और उसका स्क्रीनशॉट लेगा तो उस यूज़र को यहाँ पर स्क्रीनशॉट अपलोड करना होगा उस पेमेंट का। और जब ये स्क्रीनशॉट अपलोड हो जाएगा तो ये ऐप एडमिन ऐप को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि यूज़र ने पेमेंट कर दी है तो उसके अकाउंट में आपको कॉइन्स डिपॉजिट करने हैं। तो वो आप यहाँ पर कॉइन्स के बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट आ गई है, यहाँ पर यूज़र की यूज़र आईडी और उसका अमाउंट और उसका स्क्रीनशॉट आ गया है। अगर ये स्क्रीनशॉट असली है और अगर यूज़र ने आपको सच में पेमेंट की है तो आप यहाँ पर सेंड कॉइन्स बटन पर क्लिक कर उसे जितना उसने रिचार्ज कराया है उतने का कॉइन्स आप उसे सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर उसे डिलीट कर दीजिए इस रिक्वेस्ट को ताकि आप एक ही यूज़र को दो बार कॉइन्स ना भेज दें गलती से। तो यहाँ पर हम यूज़र ऐप ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर आप कॉइन्स के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो कॉइन्स एक्टिविटी ओपन होगी और यहाँ पर देखिए हमारा बैलेंस ऐड हो गया है जो हमने रिचार्ज कराया था 100 कॉइन्स का। और अब आप यहाँ पर से
किसी भी मैच में जाकर बैटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बैटिंग करके दिखाता हूँ। मैंने एक टीम सेलेक्ट की और उसमें मिनिमम बैटिंग है 50 की, तो मैंने 50 रुपये एंटर करके मैंने बेट पे क्लिक कर दिया और यह देखिए मेरी बेट एंटर हो गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं बैटिंग की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया है। अब मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बताऊँगा। इसके लिए मैं एक न्यू मैच ऐड करूँगा एडमिन ऐप से। तो आप इस तरह से देखिए कि जब भी एक मैच आप ऐड करते हैं तो यूज़र उस पर बैटिंग करता है। लेकिन मान लीजिए कि मैच अभी अब ख़त्म होने वाला है और सबको पता है कि कौन सी टीम जीतने वाली है, तो ऐसे टाइम पर यूज़र जिस टीम को जो टीम जीत रही है उस पर बैटिंग कर कर आराम से जीत जाएगा, तो ये बाकी यूज़र्स के लिए अनफेयर होगा। तो इसके लिए मैंने ये एक ऐसा फीचर बनाया है कि जिसमें से आप एडमिन ऐप से कभी भी मैच की बैटिंग रोक सकते हैं। तो मान लीजिए कि अभी क्रिकेट का मैच अभी स्टार्ट होने वाला है, तो क्रिकेट का मैच स्टार्ट होने से पहले यूज़र कितनी चाहे उतनी बैटिंग कर सकता है, लेकिन जैसे ही मैच स्टार्ट होगा आप एडमिन ऐप से उस मैच की बैटिंग बंद कर देंगे, ताकि यूज़र अब मैच स्टार्ट होने के बाद उस पर बैटिंग ना कर सके और सबको जीतने का बराबर मौका मिले। तो देखिए मैंने यहाँ पर न्यू मैच ऐड किया और इसमें मैंने बैटिंग एक कर दी है। अभी मैं एडमिन ऐप से इस मैच की बैटिंग बंद कर दूंगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिलीट, स्टॉप बैटिंग और सेंड कॉइंट्स तीन ऑप्शन होते हैं हर मैच के लिए। तो मैंने स्टॉप बैटिंग के बटन पर क्लिक कर दिया और देखिए अब मैं इस मैच पर बैटिंग नहीं कर सकता। तो इस तरह अब यूज़र्स को बैटिंग करने से रोक सकते हैं किसी भी मैच पर किसी भी टाइम। तो अभी मैं दूसरे मैच की बैटिंग रुक कर दिखाता हूँ। देखिए मैंने बटन पर क्लिक कर दिया और अब यूज़र ऐप में देखिए इस मैच की भी बैटिंग बंद हो चुकी है, यानी यूज़र्स अब इस मैच पर बैटिंग नहीं कर सकते। तो इस तरह आप यूज़र्स को मैच ख़त्म होने से पहले बैटिंग कर कर बेईमानी से जीतने से रोक सकते हैं। और यहाँ पर सेंड बटन, सेंड कॉइन्स के बटन पर क्लिक करने से आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी कि कितने यूज़र्स ने इस मैच पर बैटिंग की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको टीम का नाम दिखाई देगा और जो टीम जीती है आप उस टीम पर बैट करने वाले यूज़र्स को अमाउंट सेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेंड किया, देखिए 100 कॉइन्स आ गया है। मैंने इस टीम पर 50 कॉइन्स की बैट की थी और यहाँ पर जब मैंने एडमिन ऐप से सेंड डबल कॉइन्स बटन पर क्लिक किया तो जितनी यूज़र ने बैट की है उसका डबल कॉइन्स उसके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। जब क्योंकि मैंने 50 कॉइन्स की बैट की थी तो इस ब्लू बटन को दबाने से मुझे 100 कॉइन्स सेंड कर दिए मैंने उस यूज़र को जीतने पर। लेकिन यहाँ पर ग्रीन बटन पर क्लिक करके आप कस्टम कॉइन्स भी सेंड कर सकते हैं, यानी कि जितना अमाउंट आप चाहे उतना सेंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 523 कॉइन सेंड किए हैं दिखाने के लिए कि अगर आप चाहे तो उसे डबल कॉइन्स भी सेंड कर सकते हैं या फिर कस्टम आप चाहे तो कम और ज़्यादा कर भी यूज़र को जीतने पर कॉइन्स सेंड कर सकते हैं। और इसमें विड्रॉल भी बहुत ईजी है, बस आपको यहाँ पर विड्रॉल का अमाउंट और अपना UPI ID और कोई भी पेमेंट डिटेल ऐड करना है और कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है और विड्रॉल की रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। और यहाँ पर एडमिन ऐप में आप विड्रॉल बटन पर क्लिक करके सारी विड्रॉल रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं, देखिए। और आप किसी भी विड्रॉल रिक्वेस्ट पर क्लिक करके उसकी पेमेंट डिटेल्स कॉपी करके उस यूज़र को पेमेंट कर सकते हैं। तो देखा आपने इस तरह से इस ऐप में रिचार्ज और विड्रॉ का सिस्टम काम करेगा। इसमें सब कुछ एडमिन ऐप से एडमिन के ज़रिए ही कंट्रोल होगा, तो इसे किसी तरह से हैक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और यहाँ पर एक आखिरी फीचर देखिए, यहाँ पर बैटिंग हिस्ट्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज़र ने जितनी भी बैटिंग की है उस सब की हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो ये है ऑल स्पोर्ट्स बैटिंग ऐप जो मैंने बनाया है। अगर आपको ये ऐप या इसका प्रोजेक्ट चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।